क्या मुसलमानों ने भाजपा को हराने का ठेका ले रखा है? क्या मुसलमान भाजपा को हराएगा? यादव वोट भाजपा में जाएगा, जाट वोट भाजपा में जाएगा, राजभर वोट भाजपा में जाएगा और मुसलमान भाजपा को हराएगा। वाह, नकीब मिल्लत अलहाज जना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनतों को सलाम पेश करता हूं कि 40 दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बे इंतहा जद्दोजहद और कोशिश की, बे इंतहा उन्होंने जलसे जुलूस के जरिए से उन्होंने उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम को जगाने की कोशिश करी, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अपनी बीवी को अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में आकर इन्होंने जमात को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करी। इन्होंने आकर मुसलमानों को समझाया और मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों उठो और अपनी सियासी जद्दोजहद को मजबूत करो, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो। अखिलेश यादव के अंदर भाजपा को हराने की ताकत नहीं है, अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते, बार बार कहा लेकिन नहीं माने। नतायज आपके सामने हैं, नतायज आप तमाम लोगों के सामने हैं। जो यादव वोट था जौनपुर के अंदर एक बूथ पर बताया कि वहां पर यादव वोट है, वहां पर टोटल यादव वोट है और उस बूथ पर कमल खेल रहा है। आप मुझे बताइए, जयंत चौधरी 35 सीटों पर लड़े, 7 सीटों पर जीते, कहां गया जाटों का वोट? मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया, मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ साइकिल को वोट किया, लेकिन महाठगबंधन, मैं कह रहा हूं 2014 में, 2019 में, 2017 में, 2022 में कितने बड़े बड़े महागठबंधन तैयार करे भाजपा को हराने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को हराने का ठेका दिया गया, मुसलमानों को डराया गया। मुस्लिम बस्तियों में जाकर समाजवादी पार्टी के दलालों ने जाकर मुसलमानों को डराया, मुसलमानों समाजवादी को वोट करो, समाजवादी को वोट करो। अरे मेरे भाई, समाजवादी को वोट करा, एक लब्बा वोट करा उन्होंने, कहां गया वोट? अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान करने वालों, मुसलमानों को धोखा दिया गया इस चुनाव में, फिर से धोखा दिया गया। सोचने की जरूरत है, जो नतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उस पर सोचने की जरूरत है, गौर और फिक्र करने की जरूरत है। नकीब मिल्लत अलहाज जना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यकीनन आपकी मेहनतों को सलाम पेश करते हैं। यह कौम नहीं सुधरने वाली। आप एनआरसी के नाम पर आपने बे इंतहा मेहनत करी, आपने मुस्लिम कौम की आवाज बनी, आपने ट्रिपल तलाक पे बोला, आपने मॉब लिंचिंग पर बोला, आपने दादरी पर बोला, आपने बाबरी पर बोला, लेकिन इस मुस्लिम कौम ने आपको समझा नहीं। नकीब मिल्लत अलहाज जना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास बे इंतहा दौलत है, आलिशान महल है, बंगले हैं, उनके अपने कारोबार हैं, उनका अपना रसूख है हैदराबाद के अंदर, लेकिन नकीब मिल्लत अलहाज जना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल में मुसलमानों के लिए जो दर्द है, जो मिल्लत का दर्द है, जो कौम का दर्द है, उसको नहीं समझ रहे। अरे सबक हासिल करना चाहिए हमें, अपने हिंदू समाज के लोगों से सबक हासिल करना चाहिए, हमें अपने हिंदू भाइयों से सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना लीडर बनाया, दलितों से सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने अंबेडकर को, जो बैरिस्टर थे, उनको अपना लीडर बनाया, लेकिन मुसलमानों के पास एक बेबाक लीडर है, एक बेबाक कायद है, एक बेबाक नेता है, जो बैरिस्टर भी है, जो नमाजी भी है, जो बेबाक बोलने वाला भी है, लेकिन मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कबूल नहीं कर रहा है। मुसलमान भाजपा को हराएगा? अरे कभी नहीं हरा सकता। अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ताकत और सलाहियत खत्म हो चुकी है भाजपा को हराने की, नहीं हरा सकते तुम। तुम लोग वोट कटवा बने हो, तुम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ तुम लोगों ने धोखा किया है, मुसलमानों के साथ छल किया है,
मुसलमानों के साथ तुमने फरेब किया है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में मुसलमानों को ठेका दिया गया, मुसलमानों तुम भाजपा को हराओ, मुसलमानों तुम भाजपा को हराओ। अरे मुसलमान का ठेकेदार है भाजपा को हराने का? आखिर कब तक हराता रहेगा मुसलमान भाजपा को? अरे अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी कयादत को मजबूत करो। अखिलेश भैया ने अगर गठबंधन कर लिया होता उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब से, तो आज नतीजे कुछ और होते उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अखिलेश भैया ने ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं किया, ओवैसी साहब को कमजोर समझा कि ओवैसी साहब कमजोर हैं। लेकिन याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहेगी। हम जद्दोजहद करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, हम आवाम के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। हालिया में और 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव होने हैं, नगर पालिका के, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेगी। मेरे मजलिस के उम्मीद भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करने वाले तमाम दोस्तों, मायूस नहीं होना है, ना उम्मीद होकर बैठना नहीं है, हमें अभी से अगले मिशन के लिए तैयार होना है। मेरे तमाम उत्तर प्रदेश की पार्टी के जिम्मेदार तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं कि अपनी खामियों पर नजर डालते हुए हमें अपने अगले मिशन की तैयारी करनी है, हमें अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, मुसलमानों के दरमियान में जाकर फिर से मजलिस का पैगाम देना है और जाकर बताना है, देखो मुसलमानों तुम्हारे साथ कैसा छल किया गया है, तुम्हारे साथ कैसा फरेब किया गया है। मुसलमानों ने तो एक साथ गठबंधन को वोट किया, लेकिन गठबंधन का जाट वोट, गठबंधन का यादव वोट, गठबंधन का राजभर वोट भाजपा में ट्रांसफर हो गया। मेरे भाइयों, अखिलेश भैया पे जवानी कुर्बान करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। यह अखिलेश भैया का आखिरी चुनाव था, अब यह मजलिस का वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डर कर नहीं बैठेगी, घबरा कर ना उम्मीद होकर नहीं बैठेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। नगीने में हमें 2017 के अंदर 4000 वोट मिला था, 4385, अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह 9515 वोट मिला है, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि मुसलमानों के साथ महाठगबंधन ने, अखिलेश भैया ने छल किया है, फरेब किया है, मुसलमानों को डराकर, भाजपा का खौफ दिलाकर वोट हासिल किया, लेकिन भाजपा को नहीं हरा पाए। अखिलेश यादव के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर भाजपा को हराने की ताकत खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मुसलमानों के साथ छल और फरेब किया गया है, मुसलमानों को सोचने और समझने की जरूरत है। जो नतायज आए हैं उस पर गौर करने की जरूरत है, उस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। रांड बेवाओं की तरह ओवैसी साहब पर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हो चुका, बहुत ठीकरा फोड़ लिया। लेकिन मुसलमानों को सोचना होगा, समझना होगा, आखिर कब तक समाजवादी पार्टी की गुलामी करेगा ये मुसलमान, आखिर कब तक अखिलेश भैया पे जवानी कुर्बान करेगा ये मुसलमान। मेरे भाइयों, सोचो समझो, सही फैसला करो, सोचने समझने की जरूरत है, ना उम्मीद नहीं होना है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम पेश करता हूं और उनके फैसले को सलाम करता हूं जिन्होंने इत्तेहाद की ताकत से फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए। आप तमाम लोगों का बेहद ममनून और मशकूर हूं। ना उम्मीद नहीं होना है, हमें अपनी आगे की मंजिल की तरफ बढ़ना है, लेकिन फिर से गौर व फिक्र करना है। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में हाजिर हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन तैयार किया, ठगबंधन तैयार किया, और उस ठगबंधन के अंदर राजभर को अपने साथ लिया, जयंत चौधरी को अपने साथ लिया और खुद साथ में रहे, और भाजपा को हराने के लिए इन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी।
पूरी ताकत झोंकी। 2% राजभर और 2%